तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रियंका की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की सब्जी। तो यहाँ पे अदरक और मिर्ची को जो है हम पीस लेंगे, और यहाँ पे हमने चार बॉयल आलू ले लिया है। तो यहाँ पे हमने मिर्ची और अदरक को पीस लिया है और पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें आप जीरा डाल सकते हैं, और जो हमने अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना, वो पेस्ट डालेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनना है। तो जब तक हमारा मसाला भूनता है, तब तक इधर हम यहाँ पे हमने दही ले लिया है फेंट करके, और इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। और इधर हमने इसे मिक्स कर दिया है, तो अब यहाँ पे हमारा जो हमने अदरक मिर्ची डाला था वो भी भून गया है। तो अब इसमें हम दही वाला पेस्ट जो है वो डाल देंगे, और ये डालने के बाद जो है इसे लगातार हमें चलाना है। तो चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। अगर इसे हम बीच में छोड़ देंगे तो हमारा दही जो है वो फट जाएगा, इसलिए हमें इसे लगातार भूनना है। तो ये सब्जी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो इसे आप वर्त में भी बना करके खा सकते हैं और बिना वर्त के भी खा सकते हैं। तो अब मसालों को जो है अच्छे से हमें यहाँ पे भूनना है। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से घी रिलीज ना हो जाए, जो हमने दही इसमें ऐड किया है ना। तो जैसे जैसे हमारा मसाला भुनेगा वैसे वैसे इसमें से घी जो है निकलेगा। तो देखिए, हमारा मसाला जो है अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें अब हम और पानी डालेंगे और इसे ढक करके जो है एक उबाल आने देंगे। तो देखिए, हमने इसे ढक दिया है, अब इसमें हम उबाल आने देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है। तो हमने जो आलू बॉईल करके रखा था उस आलू को जो है यहाँ पे मैश करके डालेंगे। तो आलू जो हम यहाँ पे काट करके नहीं डालेंगे, इस तरीके से जो है हम हाथ से मैश करके डालेंगे। जब हम हाथ से मैश करके डालेंगे ना, तो आलू जो है ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे कि हमारी सब्जी जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे आलू ऐड कर दिया है। तो अब इसे हम ढक करके जो है 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो गया है और हमारी सब्जी जो है अच्छे से बन करके तैयार हो गई है। तो इसे अब पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें रेसिपी कैसी बनी।